हे गाइस, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जिसमें मैं थोड़े एस्टिमेशंस और एजम्पशन के बेसिस पे कंक्लूड करूंगा कि क्यों या फिर कैसे कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स होने वाली है। तो उससे पहले मैं एक संदेश मार्वल को देना चाहता हूं कि आप चाहे लाख ताकतवर कैरेक्टर निकाल लो, लेकिन हमारी वफादारी तो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडी जैसे कैरेक्टर्स के प्रति ही रहेगी। हम फैंस ताकत के बेसिस पे नहीं बल्कि कैरेक्टर के बेसिस पे अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज करते हैं। मूवी रिलीज भी नहीं हुई है और हम केविन फाइगी यानी कि मार्वल के हेड से ये सुनते आ रहे हैं कि कैप्टन मार्वल अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगी। यही नहीं, ब्री लार्सन जो कि कैप्टन मार्वल के रोल अदा कर रही है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इतनी ताकतवर है कि वो एक प्लैनेट तक को मूव कर सकती है। ऐसे कमेंट्स आमतौर पर एक्टर्स तभी देते हैं जब उन्हें अपने कैरेक्टर की ताकत का पूरा अंदाज़ा हो या फिर उन्हें अपनी मूवी की हाइप बढ़ानी हो। हो सकता है वो हाइप बढ़ाने के लिए बोल रही हो, पर यह भी मुमकिन है कि एवेंजर्स 4 या कैप्टन मार्वल में ऐसा कोई सीन होगा जहां पे वो प्लैनेट को मूव करती है, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उस कैरेक्टर की कितनी ताकत है, और उसे उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। वैसे एक कॉमिक्स में उन्होंने तो अपने एक ब्लास्ट से पूरे प्लैनेट को एक्सीडेंटली तबाह कर दिया था। हम सब जानते हैं कि कैप्टन मार्वल मूवी के बाद एमसीयू एक कॉस्मिक लेवल का प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है, तो ये होना मुमकिन भी है। वैसे भी किसी चीज़ के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी कॉस्मिक लग जाए तो वो कैरेक्टर का हाइप और पावर वैसे भी बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कॉस्मिक स्पाइडरमैन को ही ले लीजिए, जो कि स्पाइडरमैन कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाइडरमैन है। वैसे तो हर एक कैरेक्टर मार्वल में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट होने में उसका एड ऑन का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप थॉर को ले लीजिए। थॉर म्योनीर के साथ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट है। या फिर आयरन मैन को ले लीजिए, जिनके पास हल्क बस्टर जैसा धाकर सूट होते हुए भी उन्होंने मार्क 50 को चूज किया थानोस से लड़ने के लिए, क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था। वैसा ही एड ऑन कैप्टन मार्वल के पास भी है, लेकिन कैप्टन मार्वल के इस एड ऑन को जानने से पहले हम थोड़ा सा उनके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहती है, जिनका जेनेटिक कोड एक एलियन स्पीसीज कैप्टन मार्वल के साथ चेंज हो जाता है, जिसके बाद उनके पास अद्भुत शक्तियां जो कि कैप्टन मार्वल की थी वो सब उनके पास आ जाती है। वैसे तो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो कैप्टन मार्वल के पास उतनी ताकतें नहीं हैं, लेकिन जो उनके पावर्स को और बढ़ा देता है और सोने पे सुहागा करता है नेगा बैंड्स। और मुझे लगता है कि हो ना हो इस नेगा बैंड की वजह से ही कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर बनेगी एमसीयू की। नेगा बैंड्स को सुप्रीमोर ऑफ द क्री ने बनाया है और ये क्वांटम बैंड्स पे बेस्ड है। इसका मेन काम है एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्वांटम रेल में भेज देना और क्वांटम रेल से एनर्जी को ड्रॉ करके अपने हाथों से ब्लास्ट छोड़ना। ये बहुत हद तक पिम पार्टिकल्स के जैसा काम करता है, जैसा कि मैंने आपको हाउ स्ट्रॉन्ग एंटमैन इज के वीडियो में बताया था कि पिम पार्टिकल्स क्वांटम रेल में अपने मास को भेज देता है जब वो छोटा होता है, या फिर जब वो बड़ा होता है तो वहाँ से वो मास को ले आता है, और इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लॉ वायलेट नहीं होती है। आज तक एमसीयू अपने हर कैरेक्टर को मोस्ट रियलिस्टिक और साइंटिफिक वे में दिखाने की कोशिश करता है। जैसे आयरन मैन अपने हाथों से बीम छोड़ता है, वो आर्क रिएक्टर से उसे मिलती है, वहीं थॉर आसमान में थंडर समन करता है और उसके बाद ही उसे छोड़ता है। और शायद यही वजह थी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब वो शिप में थानोस के हाथों मार खा रहा था, उसने अपनी थंडर पावर को यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ पर उसे यूज़ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड्स थे ही नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मैजिक इस्तेमाल करते हैं, जिसे दुनिया में कहा जाता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो साइंस जिसे हम नहीं समझ पाए, उसे भी बहुत ही साइंटिफिक वे में दिखाया गया है और बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डायमेंशन से एनर्जी को चैनलाइज करके उससे वो पोर्टल या फिर दूसरे टाइप के प्रोजेक्शंस को बनाते हैं। तो ऐसे में अगर कैप्टन मार्वल अपने हाथों से ब्लास्ट छोड़ेगी तो वो ऑड या फिर कहें अजीब लगेगा, लेकिन अगर वो नेगा बैंड्स की मदद से वो सब करेगी तो ये एक्सेप्टेबल है। प्लस मार्वल के पास डिफेंस में ये भी बोलने को होगा कि वो दूसरे रियलिटी या फिर कहे क्वांटम रियल्म से पावर ड्रॉ करके वहां पे छोड़ती है। अब आप ही सोचिए, अगर आयरन मैन एक ऐसा आर्क रिएक्टर बना लेता है जिसके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हो तो क्या होगा। और वही केस अब कैप्टन मार्वल पे पुट कर दीजिए। नेगा बैंड्स उसे क्वांटम रियल्म से एनर्जी ड्रॉ करने में मदद कर रहा है, यानी कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी से, जिससे उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और शायद इसीलिए केविन फाइगी ने कहा कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। प्लस नेगा बैंड्स
उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लाइट की स्पीड, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, स्पेस में उड़ना, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसे पावर्स को भी बढ़ावा देती है। मैं आपको बता दूं कि केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि क्वांटम रेलम का फ्यूचर सिर्फ एंटमैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एंटमैन एंड द वॉस्प, कैप्टन मार्वल, एवेंजर्स 4 और आने वाले MCU मूवीज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। टाइम वॉर्टेक्स और एंटमैन एंड द वॉस्प के एंड क्रेडिट सीन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे आप मेरे पुराने वीडियोस की लिस्ट में देख सकते हैं। तो हो सकता है कि उस इंटरव्यू के दौरान वो नेगा वेंट्स की ओर इशारा कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कैप्टन मार्वल की लोकेशन के बारे में बता रहे हो, जो कि क्वांटम रेल में होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। और फिर आप लोगों ने एंटमैन एंड द वॉस्प की मूवी में देखा ही है कि कैसे जेनेट क्वांटम रेल के सबसे आउटसाइड हिस्से में होते हुए भी उन्हें अजीबोगरीब पावर्स मिल गई। तो हो सकता है कि कैप्टन मार्वल क्वांटम रेल के उस हिस्से में हो जहाँ पे टाइम अंतराल मायने नहीं रखता, प्लस उन्हें वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई है कि अब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर बन गई है, एज स्टेटेड बाय केविन फाइगी। तो दोस्तों, आज के बताए हुए इन दो थ्योरी में से आप किसी एक को भी मान लीजिए तो उसमें क्वांटम रेलम का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है कैप्टन मार्वल मूवी में, जो कि केविन फाइगी के स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि क्वांटम रेलम आने वाले MCU मूवीज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी को जस्टिफाई करता है। तो इन दो थ्योरी में से कोई एक थ्योरी सच होने के चांसेस है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एवेंजर्स 4 की इस लीक तस्वीर के जरिए आप जान सकते हैं कि वो पास्ट पे बेस्ड है। तो क्या है ये, एक टाइम ट्रैवल, बार्फ टेक या अल्टरनेट रियलिटीज? इसके ऊपर भी मैंने थ्योरी दिया है और वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। यूट्यूब को जो लगता है कि मेरे प्लेलिस्ट में सबसे बेस्ट वीडियो है व्यूअर के लिए, वो भी आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा है। प्लस राइट हैंड साइड के टॉप में मेरे रिसेंट वीडियो भी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।